सहारनपुर में लगातार वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चनप्पा द्वारा वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सहारनपुर पुलिस को कल मिली बड़ी सफलता, जिसमें दो शातिर वाहन चोरों को 24 मोटरसाइकिलों सहित किया गया गिरफ्तार, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि 5 जनवरी 2021 को क्राइम ब्रांच व थाना सदर बाजार सहारनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर सिविल लाइन चौकी से हसनपुर की तरफ 50 मीटर की दूरी पर लगभग 11:30 बजे दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली, जिनके कब्जे से मौके पर दो मोटरसाइकिल बरामद हुई और अभियुक्तों की निशानदेही पर अन्य जगह से भट्टा कॉलोनी यार्ड के खाली पड़े खंडहर से 22 मोटरसाइकिल बरामद की गई। थाना सदर बाजार की टीम ने दो अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग को पकड़ा गया है। इनके पास से अभी तक 24 मोटरसाइकिल बरामद हो चुके हैं और ये दोनों का आपराधिक इतिहास भी है और अभी अभी ये लोग जेल से छूट के आए हैं, तो इसमें इनको और भी मतलब पूछताछ कर रहे हैं, इनसे जुड़ी गैंग के बारे में पता कर रहे हैं और जो भी शामिल अपराधी है इसमें पकड़ के कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर गैंगस्टर और जो संपत्ति जब्तीकरण का कार्रवाई भी की जाएगी। और जो पहले वाले जो मुकदमे में ये लोग जेल से छूट के आए हैं, उनके जो जमानतदार का तस्दीक करके उनके जमानत निरस्त्रीकरण किया जाएगा और अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। अन्य राज्यों में ये वारदात को अंजाम देते लोग, इसमें अभी तक मतलब जो 24 मोटरसाइकिल का कनेक्शन हम लोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ से, और पूछताछ जारी है और जहाँ भी लोग जुड़े हैं उनका जो अन्य सक्रिय जो सदस्य हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।